तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यस एनएफटी। तो गाइज, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये टॉपिक मेरे माइंड में बहुत दिन से था। तो एमसीएल में मैं जब मैच खेलता हूँ, तब कई बार मुझे देखने को मिलता है कि मैं जिस बॉल पे आउट हो रहा हूँ, उसी बॉल में ओपोनेंट भी आउट हो रहा है। मैं जिस बॉल पे चौका या छक्का लगाता हूँ, उसी बॉल पे ओपोनेंट का भी सेम रिएक्शन होता है। और क्योंकि एमसीएल में सिर्फ हम लोग को बैटिंग का ऑप्शन मिलता है, बॉलिंग का नहीं मिलता, तो ये हमेशा क्यूरियोसिटी मेरे मन में रहती है कि ओपोनेंट को कैसे बॉल जाते होंगे। और आई एम श्योर आप लोगों ने भी कभी ना कभी ये सोचा होगा कि जो बॉल लाइन और लेंथ आपको फेस करना पड़ रहा है, ओपोनेंट को भी करना पड़ रहा होगा क्या। ऑब्वियसली बॉलर टू बॉलर डिपेंड करता है, कोई स्पिन बॉलर है, कोई फास्ट बॉलर है। पर हाँ, कई बार मैंने ये सोचा है कि क्या ओपोनेंट और मुझे दोनों को सेम टाइम पे सेम बॉल आता है। और ये क्यूरियोसिटी दूर करने का कल मुझे मौका मिला। गेम खेलते टाइम मेरा एक मैच मेरे सब्सक्राइबर के साथ हुआ, चिराग गोहिल जी, जिनसे बोल के मैंने उनका वीडियो मंगवा लिया। तो गाइज, आज हम करेंगे दो प्लेयर्स के मैच का बॉल टू बॉल कंपैरिजन। दोनों के वीडियोस को साइड बाय साइड रख के देखते हैं, बट उससे पहले नजर डालते हैं जंप ट्रेड के नए कॉन्टेस्ट के ऊपर। तो गाइज, जंप ट्रेड आपके लिए नया बिग मैड विनिंग कॉन्टेस्ट लेके आया है, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है 14 सितंबर से और चलेगा 14 अक्टूबर तक। इस कॉन्टेस्ट में 100 लकी विनर्स को मिलेंगे बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग प्राइजेस। और उन प्राइजेस पे नजर डाले तो पहला प्राइज है BMW का बाइक, iPhone 14, Asus गेमिंग लैपटॉप, PlayStation 5, Xbox Series S, नथिंग फोन, OnePlus 43 इंच TV जैसे बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइजेस। तो गाइज, इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है। 14 अक्टूबर से पहले आप लोग को सिर्फ एक बैट्समैन का NFT खरीदना है और एक बॉलर NFT खरीदना है, और आप एलिजिबल हो जाओगे इस कॉन्टेस्ट के लिए। तो गाइज, गो एंड ग्रैब योर NFT राइट नाउ। तो गाइस, आते हैं आज के वीडियो की तरफ। ओपोनेंट के गेम प्ले को और मेरे गेम प्ले को हमने टाइम टू टाइम, फ्रेम टू फ्रेम स्टिच कर लिया है। तो ये रहा पहला बॉल, दोनों का सेम लेंथ लाइन पे, फुल लेंथ डिलीवरी, ऑलमोस्ट सेम टाइप का बॉल था और दोनों ने ऑलमोस्ट सेम शॉट लगाने का ट्राई किया पर असफल। और ये रहा सेकेंड बॉल और टोटली डिफरेंट बॉल। तो यहाँ प्रूव होता है कि नहीं, दोनों को सेम लेंथ लाइन पे बॉल नहीं मिलता। बट यहाँ मैं अभी भी क्यूरियस हूँ कि गेम प्ले का टाइमिंग सेम रहता है या दोनों का अलग अलग रहता है, मतलब लेंथ ऑफ द गेम सेम रहता है या किसी का जल्दी ख़त्म होता है, किसी का बाद में। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जो एनिमेशंस हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं। तो हम लोग अभी जरा सा आगे पीछे चल रहे हैं क्योंकि तीसरे बॉल पे मैंने विकेट दे दिया था, तो एनिमेशन बीच में आ गया, तो एनिमेशन के वजह से 2 सेकंड मेरा देर हो गया। तीसरा बॉल मुझे 2 सेकंड पहले डाला गया और ओपोनेंट को 2 सेकंड बाद। बट आई थिंक मैच के एंड होते होते ये दोनों एक साथ मैच हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चौथा बॉल मुझे ऑलरेडी आ रहा है, ये फुल लेंथ डिलीवरी है और ओपोनेंट को मिल रहा है यहाँ पे गुड लेंथ बॉल। तो ये बात तो है कि बॉलर टू बॉलर डिपेंड करता है और दोनों को अलग अलग तरीके के बॉल आते हैं, और ओपोनेंट का एक ही बॉल पे आउट होना या 6-4 लगाना एक मेयर कोइंसिडेंस है। जंप ट्रेड के न्यू फील्डिंग अरेंजमेंट के साथ, न्यू एनिमेशंस के साथ गेम बहुत प्यारा दिखने लगा है। और लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं यस NFT का प्ले चल रहा है और दूसरे साइड पे चिराग गोहिल जी का चल रहा है। बट बीच में जितने भी एनिमेशंस के वजह से डिले हुआ हो, दूसरा ओवर ऑलमोस्ट सेम टाइम पे शुरू होता है। मतलब ये बात श्योर है कि गेम के बीच में चाहे जितने एनिमेशंस हो, गेम आपका जब एक साथ शुरू हुआ है तो एक साथ ख़त्म भी होगा। ये बात बहुत सही भी है क्योंकि एक ही साथ अगर गेम ख़त्म होगा तभी आप 1 घंटे के टाइमिंग पे बराबर गेम खेल पाओगे। तो जल्दी जल्दी चलते हैं गेम के एंडिंग के तरफ। और मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा, आप लोगों ने नोटिस किया हो कि नहीं, आप लोग के साथ हुआ हो कि नहीं, पिछले 2-3 दिन से इनकम काफ़ी कम हो गया है। और कल के रेयर रुकी वाले मैच में भी मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न रहा कि मुझे रेयर यूज़ करना है कि सिर्फ रुकी यूज़ करना है, क्या मैं बैट यूज़ कर सकता हूँ, ये थोड़ा बहुत मिसकम्युनिकेशन लगा मुझे। और रुकी मैचेस में प्राइज मनी ज़्यादातर कम ही रहता है, तो इसलिए ज़्यादा स्कोर करने के बाद भी ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाया। और एक नया बग है जो मुझे काफ़ी दिन से बहुत परेशान कर रहा है, पता नहीं क्यों, बट 45 मिनट और 50 मिनट्स के बीच में गेम अचानक बंद हो जाता है और उस गेम के LB पॉइंट्स हमेशा मैं लूज़ कर देता हूँ। पता नहीं ये क्यों हो रहा है, आई होप ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों का गेम ऑलमोस्ट साथ में ही चल रहा है और यहाँ पे गेम ख़त्म। मेरा यहाँ पे रिजल्ट आया 2 सेकंड पहले और ओपोनेंट का 2 सेकंड बाद, बट गेम एंड साथ में ही हुआ।
तो गाइस यही था आज का वीडियो। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।